जब भी घर में कोई भी हरी भरी सब्जी ना हो तो आप इसे झटपट से बना करके तैयार कर सकते हो और बहुत ही कम समय और सामान में खाने में यह बहुत ही टेस्टी लगती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रितुस क्राफ्ट एंड किचन में। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या सामग्री लगेगी। बहुत ही कम सामग्री में मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 टमाटर, 1 प्याज, 4 हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया ली है। इन सभी चीज़ों को काट लें। टमाटर को हल्का सा इस तरीके से बड़ा काटें और प्याज को इस तरीके से थोड़ा बारीक काटें और जो हरी मिर्च है उसको भी हल्का बड़ा ही काटना है, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और धनिया को भी बारीक काट लें। और अब एक कढ़ाई लें, उसमें तेल गरम करने के लिए रख दें और आप तेल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं, आप घी से भी सब्जी फ्राई कर सकते हैं। तेल गरम होने के बाद डालें 1 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग और फिर 1 सेकंड के लिए पकने दें। फिर डालें हरी मिर्च और डालें प्याज और हल्का सा ब्राउन होने तक इसको अच्छे से पकने दें। अब कढ़ाई में डालें टमाटर। टमाटर क्या थोड़े बड़े कटे हुए हैं, इनको इसलिए ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है। इनको हल्का सा पकने दें और बड़े बड़े ही रहने दें, इससे सब्जी स्वादिष्ट और सुंदर दिखती है। फिर इसमें डालें लाल मिर्च, सूखा धना पाउडर, हल्दी पाउडर और फिर अब इनको अच्छी तरीके से मिला लें। फिर उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया और अच्छे से बघार को मिला लें। इससे बघार में डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और फिर अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। फिर जब टमाटर अच्छे से हल्के पक जाएंगे फिर इसमें डाल देंगे लौंग सेव। ये मैंने लौंग सेव ली है, इसको अच्छे से, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है इसलिए मैंने लौंग सेव डाली है। वैसे आप अपनी पसंद से भी सेव कोई से भी डाल सकते हैं। इसमें डाल दें थोड़ा सा पानी, आप अपने हिसाब से पानी की मात्रा रख सकते हैं। और बस चटपटी बनाने के लिए इसमें पानी हल्का सा कम रखें और उबलने पर सब्जी को बंद कर दें। और अब देख सकते हैं सब्जी बनकर के बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।